दिवाली की शॉपिंग में दिए और मिठाई के बाद पटाखों का नंबर आता है। बच्चों में पटाखों को लेकर काफ़ी उत्साह होता है। वैसे तो दीपावली रोशनी का त्यौहार है, लेकिन कई वर्षों से इस दिन पटाखे चलाने का भी चलन रहा है। अब पटाखों का इतिहास क्या है और भारत में पटाखे कब आए, इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पटाखों का इतिहास। पटाखा उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, पहला नंबर है चीन का। भारतीय पटाखों का बाजार तकरीबन 2600 करोड़ रुपए का है और इसका गढ़ है तमिलनाडु का शिवकाशी। भारत में पटाखों का आगमन 1400 ईस्वी में हुआ, तब ये गन पाउडर के रूप में युद्ध में इस्तेमाल किए जाते थे। इतिहासकार पी के गोड की किताब हिस्ट्री ऑफ फायरवर्क्स इन इंडिया बिटवीन 1400 एंड 1900 में इसका जिक्र किया गया है। गन पाउडर की खोज चीनी रसायन शास्त्रियों ने 11वीं सदी में की थी। ऐसा कहा जाता है कि वहां से अरब इसे भारत और यूरोप में लेकर आए, तब इसका इस्तेमाल उत्सव के दौरान किया जाता था। अब हम सबके जहन में एक सवाल बार बार घूमता है कि आखिर सबसे पहले आतिशबाजी कब हुई। पहली आतिशबाजी का आयोजन सन 1443 में महाराजा देवराज द्वितीय की अदालत में किया गया था। तब टिमुरिड के सुल्तान शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने ये आतिशबाजी महानवमी के उत्सव के दौरान की। इसके बाद से ही भारतीय राजाओं और सुल्तानों द्वारा किसी भी उत्सव और शादी में आतिशबाजी करना आम बात हो गई। 1609 AD में बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह ने अपनी जनरल की बेटी की शादी में जमकर आतिशबाजी की गई। पौराणिक कथाओं की बात करें तो संत एकनाथ की कविता रुक्मणी स्वयंवर में भी रुक्मणी और कृष्ण की शादी के दौरान आतिशबाजी करने की बात कही गई है। 18वीं शताब्दी के आते आते पटाखों का इस्तेमाल आम जनता भी दिवाली उत्सव और शादियों में करने लगी। कोटा के राजा महादजी सिंधिया अपनी रियासत में दिवाली सेलिब्रेशन 4 दिनों तक मनाते थे। इसमें लंका दहन को दिखाने के लिए बड़ी मात्रा में पटाखों का इस्तेमाल होता था। सन 1790 में मराठी इतिहासकार राय बहादुर डीबी परासनिस ने बताया कि अंग्रेजी पटाखे कैसे भारत आए। दरअसल ओद के नवाब असदउद्दौला खुश करने के लिए उन्होंने अंग्रेजी पटाखों से आतिशबाजी की थी। इस तरह पेशवा काल मुगलों के अंत और ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में राज करने तक आतिशबाजी का ज्ञान लोगों को हो चुका था। अंग्रेजों ने गन पाउडर से बने डायनामाइट का इस्तेमाल बाद में युद्ध में भी करना शुरू कर दिया। आपको ये भी बता दें कि भारत में पहली पटाखा फैक्ट्री सन 1900 में कोलकाता में लगाई गई थी। इसके बाद तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखों के कारखाने स्थापित किए गए, जो आज देश का सबसे बड़ा पटाखा उत्पादक क्षेत्र बन गया है।